अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बेसिक स्पंज केक, जिससे हम बहुत से केक बना सकते हैं, पेस्ट्री और पाइनएप्पल केक बना सकते हैं। जिसके लिए हम चीज़ें लेंगे, 400 मैदा लेंगे, 400 कास्टर्ड शुगर लेंगे। अगर आपके पास कास्टर्ड शुगर नहीं है तो आप चीनी लेके उसको ब्लेंड करके उसका पाउडर बना लें। 4 अंडे लेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे, 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस लेंगे। सबसे पहले एक बॉल लेंगे, अंडों को तोड़ के अंडों की सफ़ेदियों और जर्दियों को अलहदा कर लेंगे। इस बॉल में हम सफ़ेदियाँ रखेंगे, और दूसरे बॉल में हम जर्दियों को रखेंगे। इसी तरह हम सारे करते जाएंगे, सफ़ेदियों और जर्दियों को अलहदा करते जाएंगे। ये सफ़ेदियाँ और इस बॉल में जर्दियाँ। सबसे पहले हम सफ़ेदियों को बीट करेंगे। सफ़ेदियों को इतना बीट करेंगे कि वो बिल्कुल क्रीमी हो जाए। अच्छे से इसे बीट करें। ये देखिए, ये बिल्कुल क्रीम की शक्ल में आ गई है, ये हो चुकी है। अब इसे हम साइड पे कर देंगे। अब जर्दियाँ लेंगे, इसको बीट करेंगे और कास्टर्ड शुगर को बीट करेंगे इसके साथ। थोड़ा थोड़ा कास्टर्ड शुगर डालते जाएंगे और बीट करते जाएंगे। ये देखें, ये अच्छे से बीट हो गया। अब इसे हम जो हमने सफ़ेदियों को बीट किया था उसमें डाल देंगे। अब इन दोनों को अच्छे से बीट कर लेंगे। लो स्पीड पे आपने इन दोनों को बीट करना है। ये हो चुकी हैं। अब इसमें वनीला डाल देंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे। अब बीटिंग का काम नहीं है, बीटर को हटा देंगे, साइड पे कर देंगे बीटर को। अब इसमें हम मैदे को फोल्ड करेंगे, मैदा और बेकिंग पाउडर को मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लें अच्छे से, और एक एक चम्मच करके हम इसमें डालते जाएंगे और इसे फोल्ड करते जाएंगे। एक एक चम्मच डालेंगे हम और इसे फोल्ड करेंगे। दूसरा चम्मच डालेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे। इसी तरह ये लास्ट वाला चम्मच रह गया, इसे भी डाल के सारा फोल्ड कर देंगे। ये फोल्ड हो चुका है। अब एक मोल लें, उसमें बटर पेपर लगाएं और इसे ग्रीस कर लें। अब ये जो सारा बैटर है हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा, जैसे बेकरी के केक होते हैं। ये तैयार है। अब इसे हम बेक करेंगे प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में हमने नमक रखा, और कोई सा भी घर में बर्तन हो आप रख लें और इसे प्री हीट कर लें। और इसे हमने प्री हीट करना है, करेंगे प्री हीट करेंगे हम इसे हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम केक के बैटर को हम इसमें रख देंगे प्रेशर कुकर में, इसे कवर कर देंगे और 2 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे।
दो मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे लो कर देंगे। इतनी फ्लेम पे हम इसे बेक करेंगे तकरीबन 25 मिनट के लिए। पच्चीस मिनट हो चुके हैं, देखेंगे केक बेक हो चुका है। केक हमारा बेक हो चुका है, अब इसे निकाल लेंगे। अब इसे देखेंगे चेक करके कि ये पक चुका है। ये देखेंगे चारों तरफ से पक चुका है। अब इसे चाकू की मदद से साइडों से हिलाएंगे ज़रा, बाहर निकलने में आसानी हो जाए। एक प्लेट रखेंगे, उसे ये देखिए इजी से निकल गया, क्योंकि बटर पेपर हमने लगाया था इसलिए इजी से निकल गया। अगर आप बटर पेपर लगाएंगे तो बहुत इजी से निकल जाएगा। अभी ये बहुत गर्म है, ये देखें मेरा प्लेट गीला था जिस वजह से ये केक उतर गया। अब गर्म है लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कटिंग करके दिखाऊंगी। बहुत ही सॉफ्ट है ये, ये देखें, ये देखें कितना सॉफ्ट है। आप इसे ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कैसा बना, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।